बैन 23, आपने इसे बेंटन ओमनीवर्स में तो देखा होगा। ये एक अल्टरनेट टाइमलाइन का बैन है जिसका नाम है बैन 23 और इसके पास है हीरो बोच। ये अपनी बोच को हीरो बोच कहता है और आपने देखा होगा ये कुछ ऐसे एलियंस में ट्रांसफॉर्म हुआ था जो बैन प्राइम के पास इस टाइम है, और जबकि इसका ओमनीट्रिक्स देखने में तो ओल्ड ओमनीट्रिक्स की तरह लगता है। उन एलियंस थे जैसे आर्मोरिलो, पिक्सी डस्ट और ब्लॉक्स। आपने मल्टीवर्स वाला एपिसोड देखा था, उसमें जो ओल्स बैन देखे थे उनके पास जो ओमनीट्रिक्स है वो सेम मैच करती है बैन प्राइम के ओमनीट्रिक्स से, पर बैन 23 की जो ओमनीट्रिक्स है वो मैच करती है बेंटन क्लासिक के ओमनीट्रिक्स से। उसके पास तो वो एलियंस होने चाहिए ना जो बेंटन क्लासिक के पास है, पर वो बैन 10 ओमनीवर्स वाले एलियंस आखिर आए कहां से, आखिर उनके पास इन सब एलियंस का डीएनए है कैसे, तो इसी के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक देखना और कमेंट में बताना, और चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपने बैन 23 को तो देखा होगा जो कि अपने डायमेंशन में बहुत फेमस है, बहुत रिच है और बहुत स्टाइलिश है, पर आपने जब उसे देखा होगा जब भी उसका एपिसोड आता है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके डायमेंशन में ना तो ज़्यादा एलियंस दिखाए जाते हैं और ना ही ज़्यादा विलन्स है। मतलब कि उसके डायमेंशन में ना तो आज तक हमें कोई बड़ा विलन दिखाया गया है और ना कोई ज़्यादा बड़ा एलियन दिखाया गया है, जबकि प्राइम बैन के डायमेंशन में तो बहुत बड़े बड़े विलन्स और एलियंस हैं जैसे कि बिलगैक्स और एक्सेट्रा, और हम एलियंस हैं जैसे कि एलियन एक्स और एटॉमिक्स। पर हाँ, बैन 23 के डायमेंशन में क्यों नहीं है, और वह जिनको बड़ा विलन मानता था वो थे टेट्रेक्स, एजमत और 66। वो इनको ही बड़ा विलन मानता था जो कि जबकि वो बैन 23 से उसका ओमनीट्रिक्स लेने आए थे। जब उसके डायमेंशन में ना तो ज़्यादा बड़ा विलन था ना ही ज़्यादा बड़ा एलियन है, फिर भी उसके पास इन तीन एलियंस के डीएनए आखिर आए कहाँ से। उसको एजमत तो ये तीन एलियंस के डीएनए देगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद चाहता था कि मुझको ओमनीट्रिक्स वापस लौटाते। आखिर आए कहाँ से एलियन के डीएनए, जबकि आर्मोरिलो का तो डीएनए मिलना बहुत मुश्किल है, जबकि इसके ओमनीट्रिक्स तो क्लासिक वाले बैन के ओमनीट्रिक्स से मैच करती है, जबकि ओल्ड बैन्स दिखाए गए थे उनके पास तो जो ओमनीट्रिक्स है वो ओमनीवर्स वाले बैन से मैच करती है, मतलब कि प्राइम बैन से मैच करती है। फिर इसकी क्यों नहीं करती मैच, मतलब कि इसकी अपडेट भी नहीं होगी इस हिसाब से, तो फिर इसके पास डीएनए आए कहां से। वैसे भी मैं बता दूं ये कोई ऑफिशियल नहीं है, जबकि ये मेरी कुछ फैन थ्योरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा मानना है कि जब पहली बार बैन 23 प्राइम बैन से मिला था तो उसने, जब प्राइम बैन ने अपने ओमनीट्रिक्स में एलियन दिखाए थे तो बैन 23 शॉक हो गया था कि इसके पास इतने सारे एलियंस आखिर हैं कैसे। हो सकता है प्राइम बैन ने बैन 23 को अपने ओमनीट्रिक्स में से कुछ एलियंस के डीएनए दे दिए हों, क्योंकि बैन 23 को आर्मोरिलो जैसा एलियन के डीएनए मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैन 23 ओमनीट्रिक्स के बारे में इतना कुछ जानता भी नहीं है। हमेशा एजमत ओमनीट्रिक्स में 10 एलियंस की लिस्ट सेलेक्ट करके रखता है। उसने क्लासिक में भी ऐसा करा था और एलियन फोर्स में भी ऐसा करा था, पर जब ओमनीवर्स आया था तो उसमें जो ओमनीट्रिक्स उसे दिया था उसमें सब एलियन अनलॉक थे। पर हाँ, जो बैन 23 के पास ओमनीट्रिक्स है उस मुझे तो देखकर नहीं लगता कि उसमें 10 एलियंस से ज़्यादा कोई न्यू एलियंस होंगे। हो सकता है प्राइम बैन ने ही उसे एलियंस दे दिए हों, क्योंकि अगर दूसरी बात माने तो हो सकता है कि एजमत ने दे दिए हों, पर एजमत तो ऐसा कर नहीं सकता चाहे बैन 23 उसे कितनी बार कह दे। पर हो सकता है कि एक बार क्या हुआ था कि बैन 23 के हाथ में से उसने एजमत ने ओमनीट्रिक्स ले ली थी और वो प्राइम बैन को दे दी थी और बैन ने उसे वापस भी कर दी थी ओमनीट्रिक्स। मेरा मानना है कि बैन 23 को प्राइम बैन ने कुछ एलियंस दे दिए हैं, क्योंकि जैसे एलियंस बैन 23 के पास हैं उसके पास ऐसे एलियंस होना इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, आज के लिए बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ दिखा नहीं पाऊँगा। अगर आप देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखो किसके बारे में कितनी सीक्रेट जाननी है, आपके लिए आ जाएगी। तो बस इतना ही कहना था, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और अब मैं कह देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।